एसएसपी नेशनल हाईवे रामबन मोहिता शर्मा ने नए एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा को सौंपा चार्ज। मोहिता शर्मा इससे पहले एसएसपी हाईवे का संभाल रही थी अतिरिक्त चार्ज। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने किया जीएमसी जम्मू में फीस वापसी को लेकर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से आए छात्रों का आरोप, पिछले दो वर्षों से फीस वापसी के लिए कर रहे प्रदर्शन, लेकिन प्रशासन कर रहा नजरअंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुई हेरिटेज स्कूल की छात्रा मणि वडेरा ने यंग बाइट से की विशेष बातचीत। मणि वडेरा को प्रधानमंत्री द्वारा उनके विचारों को लेकर दिया गया प्रशंसा पत्र। रजौरी के 10 इलाके के साथ लगते जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। आतंकी के पास से हथियार व अन्य सामान हुआ बरामद। इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। एलजी विनोद सिन्हा ने कहा पर्यटन स्थलों पर बनेंगे आयुष वेलनेस सेंटर। जम्मू कश्मीर के 5 स्पेशल आयुष वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, इस बात की जानकारी उपराज्यपाल विनोद सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा है कि 50 बिस्तरों की क्षमता वाले ये अस्पताल जम्मू प्रांत के 3 और कश्मीर प्रांत के 2 जिलों में होंगे। जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, बोले जीएमसी का रेवेन्यू 12 लाख से बढ़कर हुआ 24 लाख प्रतिमाह। जीसी डब्ल्यू परेड के एनसीसी कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान के तहत मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ को लेकर लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। महाराष्ट्र में कर्जा न चुका पाने पर रची खुद के अपहरण की साजिश, फिर परिवार वालों से ही मांगी फिरौती, युवक हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने एक 27 वर्षीय युवक को अपनी झूठी अपहरण करवाने और घरवालों से फिरौती की मांग करने को लेकर गिरफ्तार किया। अहमदाबाद पुलिस ने पकड़े 18 बांग्लादेशी नागरिक, बिना दस्तावेज सीमा पार कर भारत में घुसने के थे आरोप। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड्स ने एसओजी को बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जो अवैध तरीके से गुजरात के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। निर्देशों के बाद एसओजी ने 5 टीमों का गठन किया था।